आबादी इस वक्त तकरीबन 1 अरब 25 करोड़ से भी ज्यादा है। इतनी बड़ी आबादी को अच्छी शिक्षा और अच्छे रोजगार के अवसर मुहैया कराना वाकई बहुत टेढ़ी खीर है। सरकारें अपने अपने स्तर पर उपाय तलाश रही हैं, लेकिन बावजूद इसके युवाओं का एक बहुत बड़ा तबका बेरोजगारी का दंश झेलने को मजबूर है। बस ये ढोंगी बाबा इसी चीज का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, क्योंकि एक तो आश्रम में भरपेट भोजन की व्यवस्था होती है, दूसरा उसे आश्रम के इन बाबाओं की मनगढ़ंत बातें सुनकर लगने लगता है कि ठाट से जिंदगी गुजारने के लिए बाबाओं में वाकई भगवान बसते हैं, और देखते ही देखते ऐसे भक्तों की संख्या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों तक पहुंच जाती है। मगर यहाँ सिर्फ इसी बात को मान लेना सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कई नामचीन हस्तियाँ भी इन बाबाओं के आश्रम के चक्कर लगाते हुए मिल जाएंगे। बस इसके बाद इनके हस्तियों के चाहने वाले भी इन बाबाओं की शरण में खुद को ले जाएंगे। ऐसा ही बाबा राम रहीम ने भी किया, क्योंकि उन्होंने कई वीडियो में इस तरह की बात को बोला है कि विराट कोहली को क्रिकेट के गुण उन्होंने ही सिखाए हैं। इसमें सिर्फ विराट का ही नाम नहीं बल्कि कई दूसरे बड़े नाम भी शामिल हैं, यानी जिनको हम फॉलो करते हैं। अगर ये पता लग जाए कि वो फला बाबा को बहुत मानते हैं तो लोग भी उनकी शरण में अपने आप ही पहुंच जाते हैं। इसके साथ ही कम पढ़ी लिखी और ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की महिलाओं पर ऐसे बाबाओं के लिए बहुत ज्यादा प्यार और स्नेह होता है, क्योंकि वो इस तरह के बाबाओं में अपने और अपने परिवार की सुख शांति ढूंढती हैं। तो इस तरह के कुछ कारण हैं जिसकी वजह से इन ढोंगी बाबाओं की दुकान चलती है, और देखते ही देखते ये इतने ताकतवर बन जाते हैं कि अपने आप को कानून और देश से भी ऊपर समझने लगते हैं। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।